कौन है दिव्या मदेरणा, कांग्रेस ने क्यों बनाया उम्मीदवार, क्या है राजनीतिक इतिहास। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तैयारी भी कर ली है। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 33 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बात अगर कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट की करें तो पार्टी ने उन्हें टोंक से अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि ओसियां से दिव्या मदेरणा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब आपके जहन में सवाल यह आ रहा होगा कि आखिर दिव्या मदेरणा है कौन और इनका राजनीतिक इतिहास आखिर है क्या। तो आपको बता दें, अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाली दिव्या मदेरणा उम्मीदवारों की लिस्ट में आने से एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल दिव्या मदेरणा ने अपने पिता महिपाल मदेरणा से राजनीति सीखकर ही राजनीति में कदम रखा है और अब उन्हीं के नक्शे कदम पर रखकर अपना अलग नाम बना रही हैं। आपको बता दें, राजस्थान में मदेरणा परिवार का दबदबा है। बताया जाता है दिव्या मदेरणा मारवाड़ की सियासत में अपना अलग वर्चस्व बढ़ाना चाहती हैं। इसके साथ ही वो परिवार की विरासत को लेकर आगे चलने की कोशिश भी कर रही हैं। आपको बता दें, कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा काफी चर्चा में रही थी। इसी दौरान राहुल गांधी के साथ दिव्या मदेरणा भी काफी नजर आई थी, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ यात्रा के दौरान दिव्या मदेरणा की काफी तस्वीरें वायरल भी हुई थी, जिसमें वो राहुल गांधी के साथ पैदल चलती हुई भी दिख रही थी। बताया जाता है दिव्या मदेरणा ने इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी की है, उसके बाद वो देश लौटकर राजनीति में सक्रिय हो गई। पढ़ाई के बाद दिव्या मदेरणा ने राजनीति में कदम रखा और 2018 में पहली बार ओसियां विधायक बनी और इस बार फिर उन्हें कांग्रेस ने ओसियां से ही टिकट दिया है। राजस्थान की राजनीति में दिव्या मदेरणा को एक उभरता नाम है। ओसियां क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए काम इन्होंने किया है और उन्हें उम्मीद है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर भविष्य बनाने में मदद कर सकेंगे। वहीं जानकारी के मुताबिक राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट जारी की है, उसमें कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें दिव्या मदेरणा, कृष्णा पुनिया समेत 9 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। फिलहाल ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि किसे जनता का साथ मिला और किसे जनता ने नकार दिया। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।